तो ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। तो यार आज से आप लोग भूल जाओ मेरी सारी पुरानी वीडियोस को, सारी पुरानी लोकेशंस को और एडिटिंग को। आज से आपका भाई कंप्लीट चेंजिंग लाएगा, अच्छी अच्छी एडिटिंग होगी, अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। सही है, आज आप लोगों से बहुत बातें करनी है, पर अभी मुझे कुछ काम है घर में, घर जाके वो काम वगैरह करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और यार आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी मैंने, यार प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर करवाओ यार। मैं भी किसी को बोलता हूँ, जो बोलते हुए भी शर्म आती है कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, उनका ये ना वो देखे सब्सक्राइबर कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं और बातें मैं पता नहीं कितनी कितनी बड़ी करता हूँ। तो इसलिए यार जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, ताकि किसी को बोलते हुए भी तो शर्म ना आए ना। और आप लोगों के लिए आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ, और सबसे बड़ी बात आज 10 तावा गुड्डा जो हमने बनाया ना वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी घर चलता हूँ, पहले घर जाके काम वगैरह कर लूँ जो है, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यार काम वगैरह भी कंप्लीट कर लिए और बाल वगैरह भी कटवा के आया हूँ। तो आज के ब्लॉग का सीन मैं आप लोगों को बताता हूँ। यार आज है जुम्मे का दिन, सही है, तो पहले सारी बातें छोड़ते हैं, पहले एक एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ो। तो यार अब लोगों मैं आप लोगों को ना बताता हूँ आज के ब्लॉग का सीन। आज जुम्मे का दिन भी आया, जुम्मा वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद आज है रावलपिंडी में टेंच वाली साइड में ना बसंत भी है। तो वहां से अगर हवा तेज हुई तो जो जो गुड्डे उड़ते हैं ना, ऊंचे ऊंचे जो गुड्डे उड़ते हैं, जो कट के आते हैं, वो सारे इसी साइड पे आएंगे, वो भी आज पकड़ेंगे। और सबसे जरूरी बात, जो हमने कल 10 तवा बनाया वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। यार 10 तवा बोलने में बहुत आसान है, सही है, बनाते हुए बंदे की ना बनाते हुए बंदे की बहुत मेहनत लगती है, समझ रहे हो, मेहनत ही बोलने वाला था, कोई गलत मत समझना, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे, पर उससे पहले यार मैं नहाऊंगा, अभी बाल कटवा के आए, जो छोटे छोटे बाल है वो चुभ रहे हैं मुझे, नहा के उसके बाद जुमा पढ़ने चलेंगे, फिर आप लोगों को मिलते हैं। तो यार तैयार वगैरह में हो गया था, देख सकते हो, और मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की, मैंने कहा चला अभी जुमा पढ़ने चलते हैं, तो उसने मुझे गालियाँ देके कॉल बंद कर दी। अब मैं आप लोगों को बता दूँ उसने मुझे गालियाँ क्यों दी थी। यार यहाँ पे ना हमारी मस्जिद में जुमा होता है 2 बजे, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले से कॉल की, तकरीबन 12:30 बजे तक मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा आज जुमा पढ़ने चले, तो उस वजह से उसने मुझे गाली वगैरह दी, कहते अभी तक तो 1 भी नहीं बजा और तू मुझे जुमा पढ़ने के लिए बुला रहा है। तो मैंने इसलिए मैंने जल्दी आ रहा था यार, हमारी ना मस्जिद के पीछे ना घुड़े वगैरह उड़ते हैं ना, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आज बसंत वगैरह का कुछ सीन है या नहीं है। तो बाकी अभी जुम चाहते हैं पीछे वाली साइड में मस्जिद के, देखते हैं घुड़े वगैरह उड़े या नहीं उड़े। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी मस्जिद कौन सी है जिसमें हम जुमा वगैरह पढ़ते हैं ना, वो ये है इस मस्जिद में हम लोग जुमा वगैरह पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है ये, तो इसमें हम लोग जुमा वगैरह पढ़ते हैं। तो अभी पीछे वाली साइड पे जाते हैं, उधर देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है गुड्डे वगैरह का। और आज बसंत भी है, काफ़ी गुड्डे भी पकड़ने हैं, जुम्मे के बाद आप लोगों को 10 तवा भी दिखाना है, सही है, तो मस्जिद के पीछे जाके मिलते हैं हम लोग। तो यार अभी मैं मस्जिद की बैक साइड पर आई हूँ, अभी तक तो कोई भी गुड्डा नहीं उड़ा हुआ नज़र आ रहा मुझे, तो 1 से 2 ही हैं, वो भी मोमची टाइप ही हैं। तो मुझे लगता है ना जितना जुम्मे के बाद सही उड़ेंगे, तो जुमा वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को 10 तवा भी दिखाएंगे और गुड्डे वगैरह भी पकड़ेंगे, सही है ना, तो वीडियो एंड तक देखना। तभी रियान के छोटे कज़न की बर्थडे है, तो उसके लिए चीज़ें वगैरह लेने चले गए थे, उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेके आए जो रियान ने देना था। और अभी हवा वगैरह तो है नहीं, गुड्डे वगैरह तोड़ नहीं रहे ना, हम उड़ा सकते हैं। तो अभी सैफी की तरफ चलते हैं, सैफी की तरफ जाके 10 तवा आप लोगों को दिखाते हैं, सही है, आप लोग देख के आराम रह जाओगे 10 तवा। तो यार अभी दोस्त की तरफ से वापस आए हूँ, वहाँ पे क्या सीन हुआ है सारा कुछ बताता हूँ आप लोगों को घर जाके। और उससे पहले भी पानी वगैरह भरना था, तो पानी वगैरह भर, जो जो पिंडी में रहते हैं ना उनको तो पता होगा कि पिंडी में पानी पीने वाला उस भर के ना, तो पानी लेके जाते हैं घर, तो घर पहुँचे मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ सारी का। पानी वगैरह लेके मैं वापस आ गया हूँ, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ सीन 10 तवे का। मैं तकरीबन पानी लेके लेने जब गया था, उससे तकरीबन आधा घंटा पहले मैं गया उस दोस्त के पास जिसने 10 तवा मिल के हम लोगों ने बनाया था, उसके पास गया, उसके गेट में मैंने जाके देखा ताला लगा हुआ ना, तो मैंने उसे कॉल वगैरह की, मैंने कहा यही कहीं होगा आ जाएगा, कॉल की, पहले तो उसने कॉल नहीं उठाई मेरी, उसके बाद 3-4 कॉलों के बाद उसने मेरी कॉल उठाई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किधर आया, मैंने यार वीडियो वगैरह बनानी है, उसने मुझे बताया, कहता है मैं तो गाँव आया हूँ और इतनी जल्दी यार वो गाँव से वापस आएगा नहीं मेरी वीडियो के लिए, सही है। मुझे पता यार आप लोग मानोगे नहीं कि मैंने 10 तवा बनाया, पर टेंशन ना लो, मैं वीडियो के एंड पे ना जो हमने तस्वीरें बनाई थी वो मैं लगा दूंगा, आप लोग वो देख लेना। मेरे दोस्त के यहाँ तक आ रहा था वो, हाँ उसके सर तक आ रहा था वो, जो हमने गुड्डा मिलकर बनाया था ना वो उसके सर तक आ रहा था। तो यार सॉरी जो मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा सका, पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे वो वापस आएगा ना आप लोगों को मैं वीडियो में भी वो जरूर दिखाऊंगा। तो यार अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया, और मुझे बताना कि आज के व्लॉग में चेंजिंग्स थी या पहले जैसा फजूल ही था, वो भी मुझे बता देना आप लोग, सही है, ईमानदारी से बताना, अगर फजूल था तो फजूल ही लिखना, अगर अच्छा था तो फिर भी बता देना आप लोग। तो यार आज का व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, 1K करवा दो जल्दी जल्दी भाई के। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बाय।